और जावेद के मार्फत एक प्रॉपर्टी की डीलिंग करते वक्त मैं टाइगर भाई से मिला था। तब से मैं जावेद चिकना और टाइगर भाई को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। दिसंबर के 92 के जाती दंगल में जावेद चिकना को पुलिस की गोली लगी थी। अमित जा रहा हूँ जरा। कहाँ जा रहे? स्टेशन पे जा गया तो। घर पर है। क्यों? अरे जाके आता ना फटक से इधर। कौन है? शाहनवाज। जाऊँ क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ क्या है? चिकना को पुलिस ने गोली मार दी। क्या? नेशनल हॉस्पिटल ले गए उसको। हवालदार साहब, यहाँ जावेद चिकना टेलर, जावेद दाऊद टेलर कहाँ है? ये सब लाशें हैं, आप वहाँ जाकर पूछिए। जाओ अंदर जाके देख लो। जाओ जाओ। वालेकुम सलाम। ठीक है ना? ड्रेस वाले ठोले ना साले, सब के सब मिले हुए हैं। खुद ही पहले गोली मारे, फिर साले खुद ही खड़े होके पैरा दे रहे। जनवरी के आखिर में मैं अपने दोस्त अजीज के घर, उसका बेटा शहर पीने की वजह से मैयत को गया था, तो जावेद चिकना भी मुझे वहाँ मिला। हम लोग अजीज के घर में बैठे हुए थे तो टाइगर का आदमी शफी वहाँ पे आया और उसने जावेद को साइड में लेके कुछ बात की उसने। जावेद भाई, जावेद भाई बुला रहे। आज रात को फ्री है ना तू? हाँ। किनारे पर टाइगर भाई का माल लैंडिंग होने वाला है, तू भी चल। पर जा कहाँ रहा है तू? बोला ना, पता नहीं तेरा हो गया। किसके साथ जा रहा है? शाहनवाज है। पैसे मांगते हैं कि नहीं? दुकान पे तो जा नहीं सकता। खाना खाना है कि नहीं? इसको भी लेके जा, ये यहीं रहेगा तेरे साथ। यहाँ बार बार फोन करे पूछना पड़ता है किसका नंबर क्या है यार। टाइगर भाई का? अरे आ गए तुम लोग। अरे मेरे को तो लगा तुम लोग किधर टपक तो नहीं गए रास्ते पे। और क्या खबर? आओ अंदर, तुम लोग को जगह दिखाता हूँ। ऑमलेट के लिए क्या होटल देखो यार, सुपर्ब है। बड़ा आएगा तो क्या फाइसर हो जाएगा, समझे क्या? ये तो 30 साल पहले ही निकल लिया था। आधा घंटा हो गया ऑमलेट के लिए। लैंडिंग एजेंट है वहाँ का, पिछले 2 साल से टाइगर की चांदी की लैंडिंग वही कराता था। इस बार जो RDX की लैंडिंग उसने कराई उसके लिए 15 लाख रुपए उसको मिले। वो रायगढ़ के इलाके से गरीब लोगों को 100-200 रुपए देख के लैंडिंग कराता था। लोग उसे डर के चुप भी रहते थे क्योंकि पुलिस और कस्टम दोनों में पहचान थी उसकी। दाऊद फंड से बॉम्बे पुलिस। सलाम सलाम सब, मैं दाऊद फंड से, मैं और मेरे दो पार्टनर दादा भाई पार्कर और रहीम लॉन्ड्री वाला पिछले 5 साल से इस बिजनेस में हैं, स्मगलिंग। 1.5 साल से हम लोग टाइगर भाई के लिए, मेमन के लिए काम कर रहे थे। इस टाइम में हम लोग उसकी 6 बार लैंडिंग कराए, 4 बार चांदी की सिल्ली और 2 बार क्या? ठक 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 ठक, ये बंद करिए ठक 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 ठक, रात दिन ये क्या रेडियो बज रहा है क्या? घंटी बज रही है फोन की उठाने का। अरे कौन सा, किसको लेकर? हेलो ए टकले। हाँ टाइगर भाई, माल आ रहा है, मसला पे उतरेगा। किसका सामान है? दाऊद भाई का। किसी और का हुआ तो?
अरे मैं बोल रहा ना, दाऊद भाई खुदा हामी दिया माल का। नहीं मेरे को तो नहीं बोला। मैं बोला काफी नहीं तेरे वास्ते। अच्छा चल जान दे, तू बोल क्या मांगता है तेरे को। नफे का गारंटी चाहिए मेरे को, पिछली बार क्या हुआ था वैसा नहीं चाहिए। दाऊद भाई को बोलो मेरे को फोन करने के लिए। दाऊद भाई खुद फोन करके बोलते हैं, देख फांसे तू सामान उतार, मैं उतारूंगा। दाऊद भाई से बात करने का है तेरे को तो फोन पे काय को। दाऊद भाई के सामने बिठाता ना मैं तेरे को। एक चांदी की सिल्ली 30 किलो की होती है सब, हर लैंडिंग के लिए हमको पैसा खिलाना पड़ता है, कस्टम को, पुलिस डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू को, ताकि माल उतर सके और शहर में पहुंच सके। एक सिल्ली का हमको 7,000 रुपये मिलता है साहब। आखिरी लैंडिंग थोड़ा हल्का था साहब, लॉस हुआ। क्यों साहब, सबका पैसा फिक्स होता है, सिल्ली ज़्यादा रहेगा तो हमको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन लास्ट लैंडिंग में सिर्फ 65 सिल्ली था साहब, बहुत झगड़ा हुआ उससे मेरा। वो तो दाऊद भाई का नाम लिया, वरना मैं नहीं जाता था।